कल देर रात यूको बैंक में लगी आग। बैंक में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी आग, जल्द पाया काबू। कल देर रात यूको बैंक में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। किसी रागी ने पुलिस को सूचना दी कि बैंक में आग लग रही है। तभी मौके पर स्टेशन ब्रांच के कर्मचारी पहुंचे और पुलिस भी मौके पर पहुंची। देखा तो बैंक से धुआं निकल रहा था, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर जल्दी आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग इतनी विकराल नहीं थी, केवल जब फायर ब्रिगेड और पुलिस पहुंचे तो धुआं ही निकल रहा था। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगने का कारण सामने आया है। सर, क्या सूचना मिली थी आपको? और मुझे अभी भी 15-20 मिनट में मालूम पड़ा किसी ने स्टेशन डोरवारी ब्रांच शाखा में आग लगी है। मैं के जैन, राजा साइकिल चौराहे, श्रीनगर वाले में चीफ मैनेजर हूँ। आप यहाँ आए तो क्या दिखा? अभी मैंने देखा अंदर धुआं धुआं हो रहा है, अंदर धुआं धुआं, शॉर्ट लगता है, शॉर्ट सर्किट हुआ है। इसका किसी तरह का नुकसान? नुकसान का अभी को अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन अंदर जो अंदर धुआं है कुछ हुआ तो अंदर जो भी हो आगे कार्रवाई जो कौन सी जगह है? स्टेशन रोड ब्रांच है शाखा, यूको बैंक की स्टेशन रोड शाखा। आपका नाम? मेरा के जैन, चीफ मैनेजर, राजा साइकिल चौराहा, श्रीनगर। आज अभी थोड़ी देर पहले किसी रागीर ने सूचना दी कि यूको बैंक की जो स्टेशन रोड शाखा है वहाँ पर बैंक के अंदर से धुआं निकल रहा है और कुछ कुछ समय बाद सायरन भी बोल रहा है। मौके पर आए थे, मौके पर आके देखा तो यूको बैंक की जो स्टेशन रोड शाखा है वहाँ के अंदर से धुआं निकल रहा था और वायर जलने की और इस तरह की बदबू आ रही थी। मौके पर विद्युत कर्मचारियों को, फायर ब्रिगेड को बुलवाया गया, बैंक अधिकारियों कर्मचारियों को भी मौके पर बुलवाया गया। बैंक का ताला खुलवा के चेक किया गया है। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग जलना प्रतीत होता है। अभी बैंक के अंदर काफ़ी धुआं है, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी और विद्युत विभाग के कर्मचारी धुआं निकलने के बाद अंदर जाके चेक करेंगे कि आग किन कारणों से लगी है। नुकसान के बारे में और कारणों के बारे में एक बार हम जब अंदर जा पाएंगे तभी बता पाएंगे कि कोई नुकसान हुआ है या किन कारणों से आग लगी है।